हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी लौकी और चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो चलते हैं बनाते हैं। इसके लिए आधी लौकी ली हूँ, उसको अच्छे से छील ली, धो ली और छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सभी को डालकर मिक्सी में अच्छे से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना ली हूँ। अब इसमें चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ सूजी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 2 चम्मच डाली हूँ, 2 चम्मच से पतला ही है, तो इसमें 3 चम्मच और चावल का आटा डाल दूँगी। तो सब मिलाकर 5 चम्मच चावल का आटा इसमें डाली हूँ। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मसाले में हल्दी बस थोड़ा सा ही डालना है, 3-4 पिंच डाल दें या फिर छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच डाल दें। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस रेसिपी को मैं पहले स्टीम करूंगी, फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो स्टीम करने के लिए मैं एक इस तरह का बर्तन ले ली हूँ और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से जो हम इस बैटर को स्टीम करेंगे तो इस बर्तन में चिपकेगा नहीं, इसलिए उसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने जो घोल बना कर रखा है उसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें तेल लगा कर रखे हैं। इसमें डालकर इसे स्टीम करेंगे, इसलिए ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही कम तेल में बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसमें घोल को डाल दी हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से टैप कर लें ताकि चारों तरफ बराबर मात्रा में फैल जाए। उसके बाद एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस ऑन कर चुकी हूँ। उसके बाद उसमें एक स्टैंड रखे और 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। डालकर हमने जो लौकी का पेस्ट बना कर रखा है उसको रख देंगे स्टैंड के ऊपर। उसके बाद उसको ढक देंगे। ढककर इसे 15 मिनट तक बिल्कुल फुल फ्लेम पर ही 15 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। 15 मिनट के बाद जब चाकू डालकर देख लें अच्छे से स्टीम हुआ या नहीं, उसके बाद गैस बंद कर दें और ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, अपने मन चाहे आकार में काट लें, छोटा या बड़ा जैसा भी चाहते हों। तो उसको ठंडा करने के बाद ही काटें। उसके बाद एक पैन चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर ली। उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया, फिर उसमें 1 चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने अच्छे से चटक गया है तो इसमें थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, जिसको छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, काट कर डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। देखिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हूँ, इसको भी हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद हमने जो नाश्ता बना कर रखा है स्टीम करके उसको डाल देंगे इसमें। ये बिल्कुल ढोकला के जैसा है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए अब इसको डाल दी हूँ और इसको 2 मिनट तक बिल्कुल छेड़े नहीं। 2 मिनट के बाद इसको उलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। इसको इस तरह से सेक कर ही खाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब भी बनाएं तो इस तरह से इसको ज़रूर इसको इस तरह से सेकें ताकि इसका स्वाद और डबल हो जाए। बहुत ही कम तेल में बहुत ही आसान नाश्ता है बनाना, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही हेल्दी सब्जी लौकी से बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इसको उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। बिल्कुल चटपटा और बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इसी तरह से मैं
टुकड़े को उलट पलट कर अच्छे से सेक लूँगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। उसके बाद इसमें आधी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे जिससे और भी ज़्यादा चटपटा टेस्ट आएगा इसका। देखिए आधी चम्मच इसमें चाट मसाला डाल दी हूँ। इस तरह से इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है इसलिए ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा चटपटी बहुत टेस्टी है। तो ये लौकी का ढोकला बनकर तैयार हो गया है। लौकी और चावल के आटे का ढोकला बहुत टेस्टी बना है। तो चलते हैं अब गैस बंद कर देते हैं। ये अच्छे से भून चुका है तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।